मेरा ये आज का वीडियो शैवाल यानी एल्गी पर बना हुआ है। आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। शैवाल क्लोरोफिल या एल्गी क्लोरोफिल युक्त सरल थैलॉइड स्वपोषी तथा मुख्यतः जलीय अलोणी जल यानी फ्रेश वाटर तथा समुद्री यानी सी वाटर दोनों का जीव है। यह दोनों में पाया जाता है। ये अन्य आवास जैसे नम युक्त पत्थरों मिट्टी तर लकड़ी में भी पाए जाते हैं। उनमें से कुछ कवक यानी लाइकेन में सहजीवी के रूप में तथा प्राणियों के संगठन में भी पाए जाते हैं। ये स्लॉथ रिच में कुछ एल्गी स्लॉथ बियर के हेयर्स में बीच में रहते हैं और ये वहाँ से नमियोग्रस होके और न्यूट्रिएंट्स होके जीव को देते हैं। एल्गी द्वारा बना हुआ भोजन और मिनरल्स विसरण के द्वारा बालों के द्वारा और त्वचा के द्वारा स्लॉथ बियर के शरीर में पहुँचता है। इसी प्रकार लाइकेन भी सहजीवन का उदाहरण है। लाइकेन कॉक और शैवाल से मिलकर बनते हैं। कुछ शैवाल नम पत्थरों पर चट्टानों पर उगते हैं और नदियों में और समुद्र में तो ये इनका मूल स्थानीय है। शैवाल के माप तथा आकार में बहुत विभिन्नता होती है। ये कॉलोनी जैसे बॉल बॉक्स तथा तंतुमयी जैसे एलोथ्रिक्स स्पायरोगैरा तक हो सकते हैं। यानी कि संरचना बॉल बॉक्स गोल भी हो सकती है और तंतुमय भी हो सकती है। इनमें से बहुत से शैवाल बहुत विशालकाय होते हैं जैसे कैल्प। शैवालों में जनन रिप्रोडक्शन इन एल्गी। शैवालों में जनन मुख्यतः तीन प्रकार से होता है, कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। शैवाल कायिक यानी वेजिटेटिव, अलैंगिक अर्थात एसेक्सुअल तथा सेक्सुअल यानी लैंगिक जनन करते हैं। कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है। इसके प्रत्येक खंड से थैलस बन जाते हैं। दिए गए चित्र में एक शैवाल दो खंडों में टूटकर फिर नए शैवालों को बना रहा है। अलैंगिक जनन विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं द्वारा होता है। सामान्यतः ये बीजाणु जूस्पोर यानी चल बीजाणु होते हैं। इनमें कशाभिक फ्लैजेला होता है और ये चलायमान होते हैं। अंकुरण के बाद इनसे पौधे बन जाते हैं। ये फ्लैजेला के द्वारा मूवमेंट या गति करते हैं। लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन में दो युग्मक संगलित होते हैं और उनसे फिर बीजाणु बनते हैं। लैंगिक जनन दो प्रकार का होता है, समयुग्मकीय लैंगिक जनन तथा विषम युग्मकीय लैंगिक जनन। समयुग्मकीय लैंगिक जनन। समयुग्मकीय लैंगिक जनन में दो युग्मक संगलित होते हैं। एक युग्मक कशाभी युक्त तथा माम में समान हो सकते हैं जैसे यूरोथ्रिक्स या फ्लैजेला विहीन लेकिन समान माप वाले हो सकते हैं जैसे स्पायरोगैरा। ऐसे जनन को समयुग्मकी कहते हैं। जब दोनों युग्मक समान हो एक जैसे हो तो उन्हें समयुग्मकी जनन कहेंगे। विषम युग्मकी जनन। जब विभिन्न माप वाले दो युग्मक संगलित होते हैं तब उसे असमयुग्मकी या विषम युग्मकी कहते हैं। जैसे इरोडायना की कुछ स्पेसीज विषम युग्मकी लैंगिक जनन में एक बड़े अचल मादा युग्मक से एक छोटा चलायमान नर युग्मक संगलित होता है। अन्य उदाहरण इसकी बॉल बॉक्स और फ्यूकस आदि। शैवालों का आर्थिक महत्व इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। मनुष्य के लिए शैवाल
बहुत उपयोगी हैं। पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण के दौरान कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग शैवाल स्थिर करते हैं। प्रकाश संश्लेषित जीव होने के कारण शैवाल अपने आसपास के पर्यावरण में घुलित ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा देते हैं। जल में इन्हीं से ऑक्सीजन प्राप्त होती है। ये ऊर्जा के प्राथमिक उत्पादक होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये जलीय प्राणियों के खाद्य चक्रों का आधार हैं। जो जलीय जीव हैं वहाँ पर जो प्रोड्यूसर है, उत्पादक हैं, वो शैवाल ही होते हैं। पोरफायरा तथा लेमिनेरिया सरसम की बहुत सी जातियाँ जो समुद्र की 70 स्पीसीज या प्रजातियों में से एक हैं, भोजन के रूप में उपयोग की जाती हैं। कुछ समुद्री भूरे तथा लाल शैवाल बहुत ही अधिक कैरागिन का उत्पादन करते हैं, जिनका व्यावसायिक उपयोग होता है। जिलेडियम तथा ग्रेसिलेरिया से एगर प्राप्त होता है, जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवों के संवर्धन में तथा आइसक्रीम और जेली बनाने में किया जाता है। क्लोरेला तथा स्पुलेना एक कोशिकीय शैवाल हैं। इनमें प्रोटीन की प्रचुर मात्रा होती है। इनमें जो प्रोटीन है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इनका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भी भोजन के रूप में करते हैं। शैवालों का वर्गीकरण, शैवालों को प्रमुखता है 3 डिवीजनों में बांटा गया है। नंबर 1 क्लोरोफैसी, फ्यूफैसी तथा रोफैसी। क्लोरोफैसी, इन्हें सामान्य नाम हरे शैवाल है। इनमें क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है। इनमें संचित जो भोजन होता है स्टार्च होता है और कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। फ्लैजेला, इनमें 2 और 8 से लेकर 8 तक होते हैं और समान होते हैं और शीर्ष पर पाए जाते हैं। और ये लवणी जल तथा खारे पानी में, समुद्री पानी में सभी जगह पर पाए जाते हैं। इनके प्रमुख उदाहरण हैं बॉल बॉक्स, स्पाइरोगायरा, इलोथ्रिक्स आदि। दूसरा डिवीजन है फ्यूफैसी, इन्हें भूरे शैवाल भी कहते हैं। इनमें क्लोरोफिल ए सी फ्यूकोजेंथिन पाया जाता है और संचित भोजन मैनिटोल और लेमिनेरिन के रूप में होता है। कोशिका भित्ति सेलुलोज तथा एलेजिन की बनी होती है और फ्लैजेला 2 असमान या पार्श्वी होते हैं। ये अलवणीय जल में बहुत कम पाए जाते हैं, अधिकतर खारा जल में और लवणीय जल में समुद्री पानी में पाए जाते हैं। उदाहरण है फ्यूकिल्स यानी फ्यूकस, ये वर्ग है फ्यूकिल्स, फ्यूकस, गैल्प जो सबसे बड़े शैवाल हैं, कभी कभी 100-100 मीटर तक ऊपर हो जा 100-100 मीटर तक हो जाते हैं। सीविट्स, सभी सीविट्स कहलाते हैं। और डिक्टोटिया डायकोटमा। इसके बाद अगला समूह है रोडोफैसी या लाल शैवाल, रेड एल्गी। इनमें क्लोरोफिल ए डी और फाइकोएरिथ्रिन पाया जाता है। फाइकोएरिथ्रिन के कारण इनका कलर लाल होता है और इनमें जो संचित भोजन है फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। कोशिका भित्त सेलुलोज की बनी होती है और इनमें जो युग्मक हैं, इनमें जो फ्लैजेला है अनुपस्थित होते हैं। उदाहरण है जेलिडियम और कोरोलिना, पॉलीसाइफोनिया, पॉलीफेरा और ये जीवन चक्र, रेड एल्गी का जीवन चक्र।